सहजों का ठिकाना हुआ है, उससे तो इनके इनके आठवले जो हैं वो अच्छे बकते हैं सिर्फ, लेकिन लाखों लोग जाए गुजरात का तो क्या करें, इनके तो ऐसे ऐसे गुरुओं को पकड़े, पर महाराष्ट्र को क्या हो, जिसमें रामदास स्वामी ने सब गुरुओं की चर्चा की और उसमें बताया है कि इतना ही नहीं, सबसे तो बढ़ के मैं कहूँगी ज्ञान देव ने इतना साफ सहयोग समझाया, रोज वही गाते हैं ना, और नामदेव ने जो लिखा हुआ है जो बुआ का गाना वो रोज देहातों में गाते हैं कि हमको माँ तुम योग दो, पर वो योग करने के लिए उनको फुर्सत नहीं। आप किसी गांव में जाओ वहाँ खूब भीड़ हो जाए, जब मैं जाऊँ उसके बाद अगर दो आदमी भी मिल जाए तो बड़ी हैरानी। तो मैं ये कहूँगी कि महाराष्ट्र लोगों को चाहिए कि कुछ इन लोगों के लिए प्रार्थना करें, हवन करें, कुछ न कुछ ऐसी सामूहिक चीज़ करें जिससे महाराष्ट्र की जागृति वैसी हो जाए जैसे उत्तर भारत में हुई है, जैसे कि रशिया में। वैसे समर्पित जो है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी सहयोग क्यों बढ़ता नहीं ये मेरी समझ में नहीं आता, बहुत धीरे धीरे बढ़ता। कोल्हापुर जगह में न जाने कितनी बार पूजा आए हूँ, देवी का मंदिर बहुत सुंदर है, सब कुछ है, पर वहाँ पर इतनी गहनता नहीं। उसके लिए सामूहिक रूप से सब लोग ध्यान दें, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत बड़ा देश है, बहुत ऊँचा देश है, और धर्म के दृष्टि से जो है सो है, पर आध्यात्म की दृष्टि से बहुत ऊँचा देश है, और इसलिए सबको चाहे कि वो महाराष्ट्र के लिए थोड़ी सी जागृति की बातचीत करें। ऐसे कोई झगड़ा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो सहयोग बढ़ना चाहिए वो न जाने आज तक तो इतना बढ़ा नहीं, हो सकता है आगे ठीक हो जाए। अब जो आप लोग इतने यहाँ आए, इसे न जाने क्यों मुझे एक अजीब तरह की अनुभूति हुई कि किस तरह से 25 साल में इस छोटी सी जगह में आप लोग आए। 25 साल तक हमने मेहनत की, ये मैं बात मानती हूँ, मेहनत बहुत की, पर 25 साल के बाद इतने लोग इस नारगोल का महात्म्य समझेंगे और यहाँ आएंगे, ये बड़ी आश्चर्य की बात। नारगोल हमारे सहयोग में मतलब होता है सस्त्रार, सस्त्रार। और जब मैं यहाँ आई, यहाँ की वनश्री देख के वगैरह बहुत तबीयत खुश हो गई, और एकदम अंदर से जैसे लगा तो इस प्रकृति की किसी बड़ी भारी आशीर्वादित जगह हम आए, बहुत अच्छा। और जब वो तो मई का महीना था, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं गर्मी लग हुई तब। जब सहयोगी आते हैं तो ठीक है, उनकी गर्मियाँ में खींचती रहती, लेकिन वहाँ यहाँ तो कोई सहयोगी नहीं थे, उनकी कुछ गर्मी नहीं लगे। और जब सस्त्रार तोड़ा तो मैंने देखा कि कोई इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं है, ज़्यादातर गुजराती लोग थे, उसमें महाराष्ट्रियंस कम थे, और महाराष्ट्र में ही जो चीज़ इतनी खुल करके निकली, कितनी ही किताबें आप देखिएगा महाराष्ट्र में, असली किताबें हैं, उसे झूठ नहीं, जो सत्य है वही लिखा हुआ है, चक्रों पे लिखा हुआ है, कुंडलिनी पे लिखा हुआ है, सब कुछ इतना लिखने पर भी यहाँ उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद लोग उसका इस्तेमाल कर करें तो न जाने कितना बढ़ सकता, कितना यहाँ सहयोग बढ़ सकता है। अब हमारी जो सहयोग की प्रणाली है वो इतने लोगों में फैल गई, इतनी गहरी पहुंची, जो आप ड्रामा देखा उसे समझ गए। इस ड्रामा में उन्होंने दिखा दिया अपने दिमाग से सोच करके कि माँ क्यों आई, कि सब लोगों ने कहा कि हमने बहुत मेहनत करी, हमने पूरी कोशिश करी कि इंसान जो है वो आध्यात्म में आ जाए और परमात्मा की ओर उसकी नज़र जाए और उसको किसी तरह से योग प्राप्त हो, पर कुछ चीज़ बनी नहीं। इसलिए अब हम देवी से कहते हैं कि तुम ही अवतरण लो,
आदिशक्ति कहते तुम ही अवतरण लेकर के जो तुमने ये संसार बनाया है उसको ठीक है। बिल्कुल पते की बात, इसमें कोई शक नहीं, और हुआ भी ऐसे और बना भी ऐसे। सारा जो कार्य है इस तरह से बड़े सुचारू रूप से बन रहा है। और जिस वक्त मैं ब्रह्मरंध्र को तोड़ा था उस वक्त सोचा भी नहीं था मैंने कि मेरे जीवित रहते हुए इतना मैं कार्य देख सकता। पर ये कुंडलिनी की महिमा और परम चैतन्य का कार्य है। परम चैतन्य से तो मैं खुद हार गई कि पता नहीं क्या करते रहे। हालांकि मेरी शक्ति है, लेकिन ये परम चैतन्य आप देख रहे हैं, तरह तरह के फोटोग्राफ्स मेरे बना रहे हैं, तरह तरह के चमत्कार दिखा रहे हैं, पचासों तरह के चमत्कार। जैसे मेक्सिको में एक स्त्री थी, वो यूएन में काम करती थी, न्यूयॉर्क में, वहाँ मुलाकात हुई थी, उसके बाद वो पार भी हो गई और वो मेक्सिको चली, वहाँ नौकरी मिल गई यूएन में। उसे चिट्ठी लिखी कि मेरे लड़के की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, छोटा लड़का है, उम्र में बहुत छोटा है, और ये बीमारी हमारे खानदान में होती है जब लोग बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं, पर इस बच्चे को इतनी छोटी उम्र में हो गई और अब ये बच नहीं सकता, तो इसके लिए माँ मैं क्या करूँ, मैं उसे ले आऊँ। तीन चिट्ठियाँ उन्होंने, ये परम चैतन्य की बात बता रहे। और चौथी चिट्ठी में उसने लिखा कि लड़का अपने आप से ठीक हो, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता, एकदम ठीक हो गया, उसकी बीमारी एकदम ठीक हो गई। डॉक्टर का किया क्या तुमने, वो कैसे ठीक हो? तो ये परम चैतन्य जो है इससे बढ़ के कोई डॉक्टर भी नहीं, और जिस तरह से ये काम करते हैं एक कमाल है। तो अब किसी ने पूछा कि ये गणेश जी दूध पी रहे ये क्या है, ये मैंने कहा भाई ये परम चैतन्य कृत युग में आ गए और कार्य करनी है, अब ये जो करे सो काम। गणेश जी को दूध पिलाएंगे, वो शिव जी को दूध पिलाएंगे, इसको कुछ कह सकते हैं? कौन सी बात जो है वो परम चैतन्य नहीं कर सकते, हर तरह का वो काम करते रहते। एक साथ थे कनाडा में, ये भी काफ़ी पुरानी बात, सो उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी कि माँ मेरे पास पैसे नहीं हैं और इस कार्य के लिए इतना रुपया चाहिए। मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं। दूसरे दिन उसने फ़ोन किया कि माँ मुझे रुपया मिल गया। तो कैसे? मैंने ड्रॉर खोला तो उसमें रुपया रखा। मैंने कहा हे भगवान, मैंने तो रुपया मिल जाए, इसको रुपया कहाँ से? उसने कहा कि जितना मुझे चाहिए था एग्जैक्टली उतना। ऐसे तो बहुतों को अनेक अनुभव आए, अनेक अनुभव आ रहे हैं, क्योंकि परम चैतन्य जो है वो आशीर्वाद स्वरूप, हर जगह आपको आशीर्वाद देगा, शांति देगा, प्रेम देगा, हर तरह को आपको संभालेगा, सब कुछ है। लेकिन उनकी जो चाल है ना, उसमें बहुत स्पीड आ गई, मेरे खुद ही नहीं समझ में आता कि ये इतने कार्य कैसे करते। अमेरिका जैसी जगह जहाँ के लोगों को बिल्कुल भी कहना चाहिए सूझबूझ ही नहीं है अध्यात्म, इस टाइम अमेरिका में इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, इतने बड़े हॉल में लोगों को बैठने की जगह नहीं थी, और 5 मिनट में सब लोग पार हो गए, 5 मिनट। वही फिर लॉस एंजलिस में मैं हैरान हूँ, ये लोग इतने मूर्ख हैं, इनके साथ ऐसे कैसे 5 मिनट। फिर कनाडा गए, वहीं भी 5 मिनट, उससे आगे गए वहाँ भी 5 मिनट, कुछ समझ में आए नहीं क्या हो गया। तो परम चैतन्य की कृतियाँ भी बढ़ गई हैं, इतने तरह तरह की हो गई हैं कि कोई समझ नहीं सकता क्या बात है। और ये किस तरह से घटित होता है अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कभी नहीं पता। अब किसी ने मेरा फोटो लिया कि मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से माँ के बारे में कहा जाता है कि उनके चरणों में चांद और सर पे सूरज, वैसा फ़ोटो मुझे, और वाकई में ऐसा फ़ोटो आप लोग जिस चीज़ की इच्छा करें वो हो जाए। इसको क्या कहना चाहिए, इस परम चैतन्य की अपनी शक्ति जो है इतनी सुचारू रूप से चलती है और इस कदर जानती है हर एक की तकलीफ परेशानियाँ, बड़े प्यार से दुलार से उसको ठीक करते। इस परम चैतन्य की जो महती है आज तक, तो आपने आदिशक्ति की पूजा की है, उसी वक्त आपने उस परम शक्ति की भी, जिसे कि परम चैतन्य कहते हैं, रूह कहते हैं, उसकी पूजा की।
यहाँ पर जब मैं आई तो मैंने उसी का प्रादुर्भाव सब जगह देखा और सोचा कि यहाँ कुछ न कुछ देवी ने आशीर्वाद दिया हुआ पहले ही। और वाकई में यहाँ इतने जल्दी खर्च से जो कार्य हुआ, इतना बड़ा, इतना महान, वो मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसा इतने जल्दी क्यों हो। ये वही परम चैतन्य है। अब कहिए कि मेरी शक्ति है, लेकिन मैं ही मेरी शक्ति को नहीं जानती हूँ, ऐसा हाल हो, इतने जोरों में दौड़ रही है कि समझ में नहीं आता कि अब क्या करेगी और आगे क्या। मतलब ये है कि ये जो शक्ति है ये इतनी अब आतुर है, ये लालायित है कि संसार में ये जो विश्व का परिवर्तन है, ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको करने में बिल्कुल देर नहीं करना। पर जो इसमें आएंगे और जो इसके लिए करेंगे वही प्राप्त कर सकते। अब महाराष्ट्र में यही मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये शक्ति कार्यान्वित हो रही बड़े ज़बरदस्त, और आप लोगों को सबको चाहिए कि इसमें पूरी तरह से आप जान ले, समझ ले इस शक्ति की, जो कार्य करने की प्रणाली है उसे समझ ले और उसके माध्यम से आप काम कर सकते हैं। और अगर वो आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें इस शक्ति को, तो हर कार्य को आप कर सकते हैं। अगर कोई आदमी आपको सता रहा है तो उसको भी एक तरह से बंधन दे सकते हैं, कोई कार्य करना हो उसको बंधन दे सकते हैं, सिर्फ बंधन। और बंधन में क्या करते हैं, आपकी ये जो शक्ति आपके अंदर से बह रही, उस शक्ति को ही आप लपेटते हैं और उस शक्ति को, उस जो भी आपको प्रश्न है, जो भी आपके लिए एक प्रॉब्लम है, उसको आप बंधन दे देते, वो शक्ति उस पर कार्यान्वित होती। आपके पास ये शक्ति, आप इतने शक्तिशाली हैं, अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो न जाने कहाँ से काम। पर मनुष्य खोया हो और पान होने के बाद भी अभी जब तक हम लोग इसको वो चीज़ विशेष न समझें, तब तक सहयोग फैलना बड़ा मुश्किल। रोमानिया देश, जिन्होंने कभी सुना ही नहीं कि आदिशक्ति नाम की क्या चीज़ है, ऐसा मैं सोचती हूँ, वहाँ सहयोग इतने ज़ोर से फैल गया, बड़ा आश्चर्य। वहाँ 5,000 सहयोगी एक शहर, अब तो और बढ़ गए। वही चीज़ इस महाराष्ट्र में होना चाहिए। और बार बार मुझे इसकी चिंता लगी रहती है कि ये चीज़ महाराष्ट्र में क्यों नहीं होती, क्यों नहीं सहयोग इस तरह से फैल रहा जैसा फैलना चाहिए। बड़े बड़े शहर हैं, बड़ी बड़ी जगह हैं, वहाँ ये कार्य होना है। तो आज के दिन एक बहुत बड़ी बात हुई है कि 25 साल इस चीज़ से जूझते जूझते इस दशा में हम आ गए कि यहाँ पर इस जगह आप लोग आए हैं, इसका गौरव बढ़ाने, इसकी महत्ता बढ़ाने और इसको पुनीत कर। मेरे देश व शब्द नहीं, जब मैं सोचती हूँ तो जी मेरा भर आता है आप लोगों के, कहाँ कहाँ से आप लोग कहाँ। आई एम सॉरी आई हैव टू स्पीक इन दिस लैंग्वेज बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल ओनली नो दिस लैंग्वेज एंड सम ऑफ देम नो ओनली मराठी, बट दे नो समथिंग अबाउट हिंदी लैंग्वेज, बट आई एम सॉरी आई डोंट नो फ्रेंच एंड आई डोंट थिंक इन दिस लाइफ टाइम आई विल बी एबल टू लर्न। So, I have to speak in this language, which you can get it translated and understand. I have told them how I came here, just by chance. And there I found somebody trying to use mesmerism on people. That was the time I decided we have to open the sutra. And that's what I did in a very surge manner.